मुंबई में उत्तर भारतीय संघ के संस्थापक बाबू आर.एन. सिंह भले ही इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन उनके द्वारा शुरू किए गए सेवा भाव का कारवा आज भी बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में मुंबई के बांद्रा पूर्व स्थित उत्तर भारतीय संघ भवन में कैंसर पीड़ितों को एक बड़ी राहत प्रदान की गई है। यहां पर कैंसर पीड़ितों और उनके परिजनों के ठहरने के लिए एक अतिथि गृह की शुरुआत की गई है। बाबू आर.एन. सिंह के बेटे संतोष आर.एन. सिंह द्वारा शुरू किए गए इस नवनिर्मित अतिथि गृह का उद्घाटन 15 अप्रैल को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों किया गया। नवनिर्मित अतिथि गृह की खासियत यह भी है कि यहां कैंसर मरीजों और उनके परिजनों के अलावा तीर्थयात्रियों के ठहरने की भी व्यवस्था बाकायदा की गई है। उत्तर भारतीय संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संतोष आर.एन. सिंह ने बताया कि बाबू आर.एन. सिंह अतिथि गृह को नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलाया जाएगा। महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से आने वाले कैंसर मरीज मुंबई के टाटा कैंसर अस्पताल में इलाज कराते हैं और उन्हें और उनके परिजनों को अस्पताल के बाहर सड़कों पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है और ऐसे में मरीजों व उनके परिजनों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है और इसी को देखते हुए बेहद नगण्य दर पर उत्तर भारतीय संघ जिसके अंदर ये जिस भवन में ये बाबू आर.एन. सिंह अतिथि गृह बनाया गया है, इनकी तरफ से बेहद नगण्य दर में उन मरीजों और उनके परिजनों को यहां पर कमरा उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा बांद्रा पूर्व के उत्तर भारतीय संघ भवन में बनाए गए बाबू आर.एन. सिंह अतिथि गृह का कुल क्षेत्रफल तकरीबन 6,800 स्क्वायर फीट का है। 50 बेड का डॉर्मेट्री और 5 AC रूम इसमें तैयार किए गए हैं। इस गेस्ट हाउस में कैंटीन की भी सुविधा है। इस कैंटीन में किफायती दरों पर उच्चतम दर्जे का भोजन भी सभी के लिए उपलब्ध होगा, ऐसा कहना संतोष आर.एन. सिंह का है जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष है उत्तर भारतीय संघ के। आज मेरे पिता तो थे ही, हमारे समाज के अध्यक्ष थे बाकेराम तिवारी बाबूजी जी ने जो सपना देखा उसे स्वप्न को पूरा किया हमारे अध्यक्ष आर.एन. सिंह जी ने, और अध्यक्ष जी की बहुत ये थी कि देवेन जी ही इसका ओपनिंग करें। आज मैं देवेन जी का बहुत ऋणी हूँ कि देवेन जी भैया ने इतना समय दिया और इतना मतलब कि वो आके अपना समय दिए, और आज ये लगता है कि मेरे पिता का एक आखिरी जो वो था वो भी आज पूरा हुआ जी। पहले तो अभी हमारा पहला लक्ष्य डायलिसिस का भी हम बनाएंगे पहले, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि MMR रीजन में रहने वाले जितने भी उत्तर भारतीय आखिरी पंक्ति के और जितने भी हमारे महाराष्ट्र के जितने भी हमारे माताएं बहनें या जो भी महाराष्ट्र की परिवार है उनको भी अगर यहाँ पे हॉल चाहिए तो हम उसको एकदम न्यूनतम नो प्रॉफिट नो लॉस में चलाने वाले हैं। और मेरे पिता का एक सपना था, जब वो नौकरी करते थे, हम कोई पारिवारिक कोई हमारे पास संपत्ति, मेरे पिता खुद आए और 100 रुपये की नौकरी यहाँ पे करते थे मुंबई में, तो हरदम आज़ाद मैदान में देखते थे कि लोग तीर्थ यात्री जो आते हैं वो वहीं पे उनके लिए कोई सुविधा नहीं होती थी। तो उन्होंने जीवन में अपने एक उद्देश्य बनाया था कि अगर जीवन में कभी मैं पैसा कमाया तो मैं भी जीवन में अपने जो लोग आते हैं तीर्थ यात्री उनके लिए, कैंसर पीड़ित जो टाटा हॉस्पिटल में उनके परिजनों को रहने के लिए जगह नहीं रहती है, तो उनको मैं जीवन में कुछ करूंगा।